स्वागत है आप सबका सुपर स्मैश कप के मैच नंबर 15 के अंदर। मुकाबला यहाँ पे नॉर्दर्न ब्रेव बनाम ओटागो वोल्ट्स के बीच में जो खेला जाएगा सैडन पार्क हैमिल्टन के ऊपर। मैच टाइमिंग है सुबह के 10 बजे। तो फिर से आपको एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिलेगा और इस मैच में बारिश के चांसेस बहुत कम है। आज हमने देखा था एग्ली होल के ऊपर मैच था, बारिश आती है मैच कॉल्ड ऑफ हो जाता है, बट इस मैच में आपको बढ़िया मैच देखने को मिलने वाला है। इस स्टूडियो में टोटल 67 स्लाइड्स है जो आपको हेल्प करेगी बेहतर टीम बनाने के अंदर। तो पूरा वीडियो देखना, आपको हर एक जो फैक्ट्स है वीडियो के मैं बताने की कोशिश करूंगा इस मैच के। और सबसे पहले पिच रिपोर्ट देखेंगे, हेड टू हेड नंबर्स, वेन्यू नंबर्स, प्लेयर का फॉर्म और आखिर के अंदर मैचअप्स। इस मैच में आपको टीम साउदी वापसी करते हुए दिखेंगे और मिचेल सैटनर, जो बहुत लोगों के कैप्टन होंगे मिचेल सैटनर इस मैच के अंदर। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्या फायदा है, लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आती है मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, सेम फॉर द व्हाट्सएप चैनल। सैडन पार्क हैमिल्टन का मैदान है, खूबसूरत ग्राउंड है। इस वेन्यू के ऊपर 22 दिसंबर को मैच हुआ था सेंट्रल स्टेक्स वर्सेस नॉर्दर्न ब्रेव का। उसमें हुआ क्या, उसमें हुआ कुछ नहीं था। सैडन पार्क के ऊपर पहले आती है नॉर्दर्न ब्रेव होम टीम बैटिंग करने, 196 बनाती है, 197 का टारगेट देती है। फिर देखो क्या हुआ, सेंट्रल स्टेक्स चेस करने आई, 141 पे सिमट गई। फिर इससे पहले 110 बना 7 विकेट गवा के। जो टीम चेस करने आती है वो 4 विकेट से जीत दर्ज करती है, 15 बॉल रहते हैं। 217 बना, टीम 161 बना पाई, 165 बना, टीम चेस कर गई इसको, मात्र 13 बॉल रहते। 210 बना, टीम 144 पे सिमट गई, 162 बना, टारगेट चेस हो गया। तो इस वेन्यू में 170-180 स्कोर जैसे चेस हो जाता है तो इट्स ए गुड स्कोरिंग वेन्यू और यहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प मिलती है। क्यों कह रहा हूँ थोड़ी देर में समझाऊंगा। नॉर्दर्न ब्रेव को होम ग्राउंड है, इन्होंने 55 में से यहाँ पे 34 मैचेस के अंदर जीत दर्ज करी है। ओटागो वर्ल्ड्स की बात करें 12 में से यहाँ पे सिर्फ 4 मैच जीती है, थोड़ा सा रिकॉर्ड खराब रहा है। अब देखें बैटिंग फर्स्ट, 4 मैचेस जीते गए, चेस करते हुए 5 मैचेस जीते गए। पिछले 9 मुकाबलों की बात करता हूँ तो मैं कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, जो टीम बेहतर गेम दिखाती है वो जीतती है, प्रति और 9 के आसपास रन बनता है। और इस मैंने भी जो लास्ट मैच हुआ था नॉर्दर्न ब्रेव वर्सेस सीएस का, उस मैच में 9 विकेट पेसर का था और 8 विकेट स्पिनर्स का था। यहाँ से भी आप देख सकते हैं स्पिनर्स का बोलबाला रहा, 8 विकेट स्पिनर, पेसर का 9। ओवरऑल विकेट कॉलम लास्ट 2 मैचेस के अंदर पेसर्स ने 63 विकेट्स निकाला है, पहली पारी में 35, दूसरी पारी के अंदर 28। राइट आर्म पेसर का 57 है, लेफ्ट आर्म पेसर्स का 6 विकेट है। स्पिनर्स की बात करें तो 52 विकेट है, पहली पारी के अंदर 25, दूसरी पारी के अंदर 27, ऑफ स्पिनर्स का 21, लेग स्पिनर्स का 8, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 23 विकेट है। ये पिच देख सकते हैं आप, इस तरह से यहाँ की पिच दिखी थी, स्टम्प्स थे जिनको रेनबो स्टम्प्स कहते हैं, इस तरह से पूरा यहाँ पर माहौल बनाया जाता है, दिखाऊंगा थोड़ी देर में। ये देखा लास्ट मैच में इस पिच का इस्तेमाल किया गया था, इस पिच पे बिल्कुल भी ग्रास नहीं होती है, हमेशा आप देखेंगे सैडन पार्क पे मैच हो रहा हो और पिच पे आपको ग्रास दिख जाए तो वो आश्चर्य की बात हो जाती है। ठीक है, ये देखें आप, ऐसा रेनबो बनाया जाता है 30-yard सर्कल के लिए, तो बहुत ही प्यारा स्टेडियम होता है ये। और यहाँ का जो पेस एंड बाउंस होती है पिच में वो कम होती है इस कम्पेयर टू विलिंगटन, डुनेडिन जो ओटागो में है, और ऑकलैंड थोड़ा कम पेस रहता है। ये देख सकते हैं आप डायमेंशन सामने, 70 स्क्वायर आपको 60 मीटर की देखने को मिलेगी, ये स्टेडियम का व्यू है। ये स्पेशल पिच रिपोर्ट है फ्रॉम द सैडन पार्क, कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताना, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन दबा दो। दोनों टीम्स ने आपस में 35 मैचेस खेले हैं, 13 नॉर्दर्न ब्रेव जीती है, 17 ओटागो जीती है, 5 मैच नो रिजल्ट गए हैं, बट मेरे लिहाज से नॉर्दर्न ब्रेव आर द फेवरेट्स। टीम स्टैफर्ड ओपन करेगा कटनी क्लार्के के साथ, जीत रवल कप्तान, वन डाउन आते हैं जियो कार्टर, मिचेल सैटनर, हेनरिक कॉपर, ब्रेट हैम्पटन, स्कॉट कुगलाइन, टिम साउदी, टिम प्रिंगल, नील वैगनर आपको दिख जाएगा। ओटागो की बात करें, हमेश रदरफोर्ड ओपन करेगा जैक गिब्सन के साथ, डीन फ्रेक्सफोर्ड कप्तान, वन डाउन आते हैं, फिर आपको ग्लेन फिलिप्स दिख जाएंगे, फिर आएंगे यहाँ पे मैक्स शू, डले फिलिप्स, लिली जॉनसन, डैन लॉक्रोस लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, ट्रेविस मुलार इन फॉर्म गेंदबाज, जैकब डफी, एंड्रू हेजलडाइन लेफ्ट आर्म पेसर। प्लेयर के स्टैट्स देखते हैं, कटनी क्लार्क 7 मैचेस खेल चुका, 186 रन है, एक्ट के अंदर 148 का स्ट्राइक रेट है, बैटिंग फर्स्ट 49-2-23-26-73, ये बैटिंग फर्स्ट में बहुत अच्छा खेलता है, 33 की औसत है, चेस के ऊपर 20 की औसत है, देखते हैं क्या कर पाता है। लास्ट टाइम में भी इस वेन्यू पे खेला था, इसने 28 किया था 22 तारीख को, वेन्यू पे 6 मैच में 128-120 का स्ट्राइक रेट, बैटिंग फर्स्ट 26-7-19-16-28, चेस के ऊपर 32। टिम शिफर्ट
श्राइफर्ड बहुत कमाल के प्लेयर हैं ये। 17 मैच 422 रन है, टुडे के अंदर 30 की औसत है, 12 कैच 4 स्टंपिंग वही नहीं करी हुई है इस टीम के खिलाफ। फॉर्म 6 रन 0 41 20 54 74 23 12 14 42 चेस के ऊपर 21 8 55 4 24 36। वेन्यू की बात करें 36 मैचेस में 607 रन है, 34 कैच 8 स्टंपिंग करी है, 2 50s है, 4 30 है 30 इनिंग्स के अंदर। हेनरी कॉपर का 6 मैचेस में 46 रन है, बैटिंग फर्स्ट 24 19 23, चेस के ऊपर 21 17 नाबाद 52 नाबाद, और वेन्यू के ऊपर 6 मैचेस में 65 रन है। इतने खास आंकड़े नहीं है, ये ऐसे प्लेयर है जो आमतौर पर 10-15 मैच में जाके 1 मैच में चलते हो। जीत रवल कंसिस्टेंट प्लेयर, 14 मैच 300 के आसपास रन है, एटवुड में 25 की औसत है, वेन्यू के ऊपर 8 मैच में 176, बैटिंग फर्स्ट 6 27 33 9 52, चेस के ऊपर 049। फॉर्म 62 16 52 3 9 20 नाबाद 96 रहा है। फिर कौन दिखते हैं आपको यहाँ पे? जो कार्टर 8 मैच 135 रन है, 22 की औसत है, अच्छे प्लेयर ये भी माने जाते हैं। वेन्यू के ऊपर 9 मैच में 214 रन है, 134 का स्ट्राइक रेट है। ये 20-25 रन हमेशा बनाते हैं आप देखेंगे, उसके बाद ये कन्वर्ट नहीं कर पाते कई बार। जो कार्टर 32 20 21, चेस के ऊपर 10 55 75 नबाद 1। देखने लगो क्या इस मैच में क्या करता है। फॉर्म 15 8 21 48 27 54 36, बहुत कंसिस्टेंट बैटर रह चुके हैं पहले ये। हैम्पटन का 11 मैच में 190 रन से 134 का स्ट्राइक रेट, 5 विकेटें हैं, लास्ट मैच में 2 विकेट निकाला था इसने, डेथ ओवर में बॉलिंग करी थी, दोनों बोल्ड मिले इसको, और विद द बैट भी इसने ठीक ठाक काम किए हुए हैं। वेन्यू के ऊपर 17 मैचेस में 216 रन 4 विकेटें हैं, देखते हैं इस मैच में क्या कर पाता है ये। रिसेंट फॉर्म अच्छा है विद द बैट भी, 14 रन 2 विकेट 7 रन 27, 5 रन 2 विकेट 67 रन 0 विकेट 28 रन 2 विकेट 88 रन 0 विकेट। कुगलाइन 21 मैच 16 विकेटें हैं, 24 का स्ट्राइक रेट है, 232 रन से एज ए पिंच हिटर इसको पिछले 2 मैचेस में टीम ने प्रमोट किया, बट इस मैच में आई डोंट थिंक इनको प्रमोट करे टीम, क्योंकि सैटनर पहले इस मैच में आ चुके हैं, 36 मैच 39 विकेट्स है वेन्यू पे, और अच्छे ऑप्शन है फिर से कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। टिम प्रिंगल 3 मैच में 3 विकेट है, वेन्यू के ऊपर 2 में 2 विकेटें, इकोनॉमी अच्छी रहती है हमेशा इस बंदे की, लास्ट गेम में 30 रन 2 विकेट निकाला, 8 रन 1 विकेट, कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू ये भी दी जाता है। फ्रेड वॉल्कर 3 मैचेस में 2 विकेट, और ये 3 आएगा यार इसको करेक्ट कर लेना, 3 मैच में 2 विकेट आए। वेन्यू के ऊपर 3 मैचेस में 3 विकेट, 6 की इकोनॉमी रही है, बट आपको नहीं खेलते हुए दिखेंगे ये। नील वैगनर का 2 मैच में 3 विकेट, मेरे लिहाज से मस्ट पिक का एक्सप्लेयर है ओटागू का। वेन्यू के ऊपर 6 मैचेस में 14 विकेट है, भाई आंकड़े इनके अप्रतिम है। बॉलिंग फर्स्ट 4 मैच में 10, बॉलिंग सेकंड 2 मैचेस में 4 विकेट है। फिशर स्क्वाड में नहीं है ड्रॉप्ड टिम साउदी, 9 मैचेस में 9 विकेट एट टूडे के अंदर। वेन्यू के ऊपर 29 मैच में 33 विकेट्स है। मिचेल सैटनर 7 मैचेस के अंदर 132 रन 155 का स्ट्राइक रेट, 5 विकेटें हैं, बैटिंग फर्स्ट 18 19 0 18 नाबाद, चेस के ऊपर 29 4 41 नाबाद, अच्छा आंकड़े रहे। विद द बॉल थोड़ा शांत रहा है क्योंकि 7 मैच में यार एक 5 विकेट ही निकालता है सैटनर, तो देख के थोड़ा अजीब लगता है। वेन्यू पे 16 मैच में 250 रन है और 15 विकेट है, अच्छे प्लेयर है ये, सब जानते हैं किस लेवल के प्लेयर है मिचेल सैटनर। ये सब हो गए, ये क्रिस्टन क्लार्क आएगा भाई ने वो कठनी क्लार्क ही लिख दिया, ये क्रिस्टन क्लार्क का फोटो भी उसने गलत लगाई है और नाम भी गलत लिखा है। क्रिस्टन क्लार्क का 2 मैच में 2 विकेट से बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, एक ही बार बॉलिंग करी थी, बारिश आ गई थी स्वर्ण के ऊपर इस वजह से। पिछले मैच के अंदर नील वैगनर ने 1, 3, 17, 19 डाला, कुगलाइन ने 2, 4, 12, हैम्पटन ने 5, 13, 20, फिशर ने 6, 16, फ्रेड वॉल्कर का 7, 9, 11, 14, प्रिंगल का 8, 10, 15, 18 था। हमेश रदरफोर्ड 22 मैच 360 रन से 18 की औसत, पिछले 2 मैचेस में बहुत अच्छे दिखे हैं, 52 किया 32 किया, बट यहाँ पे देखते हैं क्या कर पाते हैं ये। बैटिंग फर्स्ट में बिल्कुल भी अच्छा आंकड़े नहीं, बस 130+ स्कोर्स है, बट चेस के ऊपर आप देखो 47 39 49 49, तो 3-4 5 बार चला है चेस के ऊपर। वेन्यू के ऊपर 9 मैचेस में 18 की औसत है, बैटिंग फर्स्ट 4 49 16 9, चेस के ऊपर 4 47 7 है। ये ऐसा प्लेयर जो पावर प्ले में अटैक करता है, आर या पार वाली इनिंग्स खेल के जाता है। जैक गिब्सन सामने सैटनर होंगे जो पावर प्ले में शायद एक ओवर डालें, अगर अटैक करते हैं तो वहाँ पे वो विकेट निकाल के जा सकता है, वरना टीम साउदी है। जैक गिब्सन का 4 मैच में 26 रन से, बैटिंग फर्स्ट 25, चेस के ऊपर 1, वेन्यू के ऊपर 2 मैच खेला, बॉलिंग 1 बार करी थी, बॉलिंग फर्स्ट में 1 विकेट मिला था इसको।
रिसेंट फॉर्म 0 रन 1 विकेट 0 रन 3 विकेट, पिछले दो मैचेस में डक पे आउट हुआ है। डिन फैक्सक्रॉफ्ट 7 मैच 203 रन से 137 का स्ट्राइक रेट, 5 3 विकेट हैं, बॉलिंग थोड़ी कम कर रहा है। बैटिंग फर्स्ट 63 44 12, चेस के ऊपर 23 22 39, इस टीम के अगेंस्ट हमेशा कुछ ना कुछ करके जाता है। वेन्यू के ऊपर 3 मैच खेला है, बैटिंग 2 बार आई है, 1 मैच इनका कॉल्ड ऑफ हो गया था। 107 रन से 63 एंड 44 बैटिंग फर्स्ट। ग्लेन फ्लिप्स मास्टर क्लास प्लेयर है ये, 10 मैच 228 रन है 141 का स्ट्राइक रेट है, बैटिंग फर्स्ट 15 6 24 22 68 4, चेस के ऊपर 65 20 3 1। मस्ट पिक वेन्यू के ऊपर 6 मैच में 64, बैटिंग फर्स्ट 15 4 24 नाबाद, चेस के ऊपर 20 1। कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप कर सकते हैं, लिस्ट में रखिए इसको। लेरी जॉनसन आउट ऑफ फॉर्म, 7 21 9 7 3, गजब का फॉर्म है भाई का। हेड टू हेड के अंदर 7 मैच में 82 रन्स है, कोई खास आंकड़े नहीं है भाई के, देखते हैं। मैक्स चू से बेटर है टिम शेफर्ड, इसको भी आप लेके जा सकते हैं। लास्ट मैच में 80 पॉइंट देखे गया था ये, 34 रन की पारी खेली थी इसने और 2-3 कैचेस पकड़े थे इसने, अच्छा खासा योगदान रहा था, बट इस मैच में देखते हैं क्या कर पाता है ये। डेले फिप्स ने 32 किया था, इसके और इसके बीच में सर्जरी बनी थी, मैक्स चू और डेले फिप्स के बीच में लास्ट मैच के अंदर 50 रन की सर्जरी थी लगभग वो, बट देखते हैं इस मैच में क्या होता है। डैन लॉक्रॉस 3 मैच में 2 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 1 में 1, बॉलिंग सेकंड भी 1 में 1 विकेट है, इस वन पे हल्का सा स्पिन होता है तो इनका योगदान हो सकता है। ट्रेविस मुलार का 1 मैच में 1 विकेट है, 6 बॉल डाली थी इसने एटवुड के अंदर अगेंस्ट नॉर्दर्न ब्रेव, 18 रन खा गया था ये, बट रिसेंट फॉर्म देखो, पिछले मैच में 2 विकेट एक ही ओवर में निकाला था इसने, फिर उससे पिछले मैच में 17 रन 3 विकेट, प्लेयर ऑफ द मैच बना था। फिर आएंगे यहाँ पे जैकब डफी, 21 मैच 21 विकेट्स है एटवुड के अंदर, और वेन्यू के ऊपर 11 मैचेस में 10 विकेट्स है। इसमें बॉलिंग फर्स्ट के अंदर 13 मैचेस में 13 विकेट आएगा, बॉलिंग सेकंड में 8 मैच में 8 विकेट आएगा, 7 बार विकेटलेस गया है। वेन्यू के ऊपर 10 विकेट से 11 मैच में, बॉलिंग फर्स्ट 3 मैच में 4, बॉलिंग सेकंड 5 मैचों में 6 विकेटें हैं, और जो इनके बाकी 11 मैच खेले हैं बट बॉलिंग इसने 8 इनिंग्स में करी है। कारण आपको बताया सन पे बारिश बहुत होती है, कॉल्ड ऑफ हुए मैचेस इस वजह से, बट इस मैच में बारिश नहीं होगी ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑली व्हाइट के नंबर्स खास नहीं है, मैट बेकन है यहाँ पे। पिछले मैच में हजलडेन का 1, 3, 5 था, डफी का 2, 14, 16, 18, मुलर का 4, 11, 15, ग्लेन फ्रिप्स का 6, 8, 19, जैक गिब्सन का 7, 9, 13, 17, लॉक्रोस का 10, 12 ओवर था। चलते हैं मैचअप्स की तरफ, हमें शदरफर्ड की बात करते हैं, अगेंस्ट इनका कूलैन के साथ मैचअप रहा है, 5 इनिंग्स में 3 बार आउट किया, 51 रन से 30 गेंदों के अंदर। साउदी ने इसको 1 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। जैक गिब्सन वर्सेस सैटनर वैगनर 1-1 बार आउट कर रखा है इस भाई साहब को। डेन फैक्सक्रॉफ्ट की बात करते हैं, कोई खास मैच अपनी, ग्लेन फ्लिप्स का रहा है अगेंस्ट सैटनर, 5 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है 20 बॉल के अंदर 21 रन देके। कुगलाइन ने इसको 6 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 17 बॉल में 31 रन देके। अच्छी बैटल होगी, सैटनर मिडल फेस में गेंदबाजी करते हैं, फ्लिप्स भी वहाँ पे बैटिंग करते हैं। डेले फ्लिप्स कोई खास आंकड़े नहीं है, मुड़ी प्लेयर है वैसे भी ये। लली जॉनसन अगेंस्ट टिम प्रिंगल 3 बॉल में 2 बार आउट हुआ है। मैक्स टू वर्सेस प्रिंगल जो वाकर। अब चलते हैं यहाँ पर कठने क्लार्की की तरफ, कोई खास मैचअप नहीं है, टिम शेफर्ड का जरूर है डफी के सामने, 10 इनिंग्स में 4 बार आउट किया, 53 बॉल में 69 रन देंगे। कुगलाइन वर्सेस डफी, गिब्सन 1-1 बार आउट किया है। जीत रोल का कोई स्पेशल मैचअप नहीं है, सेम फॉर जॉ कार्टर। ब्रैंड हेम्पटन का भी कोई स्पेशल मैचअप नहीं है, सैटनर का भी नहीं है यहाँ पर। कॉमन कैप्टन मिचेल सैटनर, ग्लेन फ्लिप्स, अलग जाना तो स्कॉट कुगलाइन है, जैक गिब्सन है। डीन फ्रैक्सरॉट को रोटेट करिए, स्वेनी पे अच्छा खेला, एटवुड में अच्छा आंकड़े, स्पिन भी होती है यहाँ पे, बॉलिंग करने आ सकते हैं उस मैच में। जीत रवल को भी रोटेट कर सकते हो, एंकर का रोल अदा करता है, फिर लास्ट के अंदर अटैक करेगा वो। टीम्स की बात करते हैं चलो फटाफट, तो फिलहाल यहाँ पे मैंने 2 न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर बैटर्स या ऑलराउंडर्स को कैप्टन बनाया हुआ है, और वाइस कैप्टन सैटनर कैप्टन, फ्लिप्स वाइस कैप्टन है। कुगलाइन बहुत अच्छा ऑप्शन है बट डेथर में बॉलिंग नहीं करते, नई गेंद से गेंदबाजी करते हैं तो वो प्लस फैक्टर नहीं मिलता। फैक्सक्रॉफ्ट गिब्सन टिम साउदी मस्ट विक, नील वैगनर के बहुत अच्छा आंकड़े रहे, स्वेनी की प्रिंट की बॉल ग्रिप करती है, स्लोर बाउंसर अच्छी डालते हैं स्वेनी पे। प्रिंगल का भी अच्छा स्पेल आना चाहिए अगर इनका दिन रहा तो। मुलार लिया यहाँ से जीत रवल या टिम शेफर्ड है, अलग क्या कर सकते हैं, कीपिंग के अंदर आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन टिम शेफर्ड ही है, बट आप चाहते हो तो मैक्सो को ट्राई कर सकते हो, लास्ट मैच में बहुत अच्छे पॉइंट देखे गया था, हमने भी इसको लिया हुआ था। फिर बैटर सेक्शन के अंदर रदरफोर्ड आप रोटेट कर लेना, बट बात वही है, ये एक ऐसा प्लेयर है जो पिछले 2 मैच में अच्छे पॉइंट्स देखे गया, मैं कह रहा हूँ कि इस मैच में भी देगा बट कोई गारंटी नहीं है उस प्लेयर की। ये पावर प्ले में अटैक करके खेलता है, आर या तो पार, ये पावर प्ले में ही रन्स बनाता है, उसमें आउट होकर चली भी जाता है, ऐसा प्लेयर है, लाइक पृथ्वी शॉ कह सकते हैं, जो आता है अटैक करता है, फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट। जीत रवल स्पेशल बंदा है,
चाहे तो आप कटनी क्लार्क को भी रोटेट कर सकते हैं, दिख रहा है आपको एक कटनी क्लार्क बहुत अच्छा प्लेयर है भी, इस वेन्यू में लास्ट टाइम 57 पॉइंट्स देखे गया था। ये ऑलराउंडर में चले तो सैटनर, ग्लेन फिलिप्स इंपॉर्टेंट, कुगलाइन है, डीन फैक्सक्रॉफ्ट, ब्रेट हैम्पटन शायद गेंदबाजी इस मैच में ना करे, थोड़े कम चांसेस है बॉलिंग करने के, क्योंकि आप मान के चलो नील वैगनर चार ओवर डालेगा, चार ओवर सैटनर, साउदी, कुगलाइन और प्रिंगल के एक या दो ओवर डाल के जा सकता है हैम्पटन, अगर कुछ अलग कुछ हो गया मैच के अंदर तो। बॉलिंग में साउदी इंपॉर्टेंट, डफी बॉलिंग फर्स्ट में ले लेना, डेथ में डालेगा, वैगनर अच्छा बॉलर है, यहाँ से टिम प्रिंगल भी बहुत अच्छा डाल लेता है, लास्ट गेम में तो खूब पॉइंट्स देके गया था, अपनी टीम में भी था, 94 पॉइंट्स दिए थे भाई ने। मुलार अच्छे फॉर्म में, थोड़ी बहुत बैटिंग करना जानता है इस वजह से मैंने लिया हुआ है, वरना लॉकरोस को आप प्रीफर कर सकते हैं ओवर मुलार, अगर इनकी टीम बॉल सेकंड करती है ओटागो की तो बेन लॉकरोस अच्छा पिक रह सकता है, थोड़ा ऊपर बैटिंग भी करता है। लास्ट गेम में उसने दो डाला तो मेरे समझ के बाहर था क्यों दो डाला, मैं मानता हूँ भाई का इकोनॉमी बहुत ख़राब था कुछ, इस बंदे ने 27-28 रन दे दिए थे 27 के आसपास, बट देखते रहिए स्टैट्स, मुझे मिलते हैं टेलीग्राम के ऊपर, लव यू गाइस, सी सून, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा मैच है मिनी जीएल के लिए, टारगेट करो उसको, ये जो लीग्स होती ना ये वाली 47 रुपीज़ की, आई मीन 25 मेंबर्स की 1390 रुपये की, ये वाली टारगेट करना, मैं भी आपको यहाँ पे खेलता हुआ दिख जाऊँगा, सी सून, लव यू एंड ऑल द बेस्ट।